हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताते हैं। और हमने उसके लिए तीन कलर लिए हुए हैं। ये देखिए, पिंक और रेड और वाइट और 9 नंबर सिलाई ली हुई है हमने यहाँ पे। ये देखिए, तो हम ये आपको शुरू से ही बताएंगे किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। मैं आपको ये छोटा ही डोरमेट बताऊंगी, आप इसमें मैं आपको 4 पत्तियों वाला बताऊंगी, आप इसमें 6 पत्तियां भी बना के इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 12 फंदे डाल लिए हैं और वाइट कलर से मैंने फंदे डाले हुए हैं। और आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप इसमें 30 फंदे, 40 फंदे, अपने हिसाब से फंदे डाल सकती हैं इस तरह से, और उसमें आप 6 पत्तियां बना सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे 12 फंदे डाले हुए हैं। यहाँ से हम एक सिलाई, ये देखिए, पूरी बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिलाई पूरी बना ली है। इसके बाद हमने ये 2 फंदे वाइट कलर के बनाने हैं और यहाँ से हमने इसमें पिंक कलर लगाना है। ये देखिए, दस फंदों में हमने पिंक कलर को लगा दिया है। तो देखिए, हम ये पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे। वापस सीधी सिलाई को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, पीछे धागा वाइट कलर आगे, तो ये 2 फंदे हम वाइट से बनाएंगे इस तरह से। अब हम उल्टी तरफ हैं, तो देखिए उल्टी तरफ से हमने यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बढ़ाना है। ये देखिए, एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से बढ़ाएंगे और ये 2 फंदे वाइट से बनाएंगे। यहाँ पे 3 फंदे बन चुके हैं, तो 2 फंदे मैंने वाइट से बनाए। जो हमारा तीसरा फंदा वाइट कलर का है, इसको हम पिंक से बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, और लास्ट के हम 2 फंदे छोड़ेंगे बगैर बुने। तो यहाँ पे मैं 2 फंदे बगैर बुने छोड़ूंगी। तो यहाँ पे हमने ये इसी तरह से 4 फंदे छोड़ने हैं, 2-2 करके, यानी कि 8 फंदे। और इधर मुझे 4 फंदे बढ़ाने हैं इसी तरह से। ये देखिए, पीछे धागा वाइट कलर आगे, तो 2 फंदे हम वाइट से ही बनाएंगे। आउटलाइन बना रहे हैं इसकी, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, फिर से हम फंदा इसी तरह से बढ़ाएंगे और इसको हम 2 फंदों को वाइट से बना लेंगे, और वाइट तीसरा फंदा जो है इसको हम पिंक से बना लेंगे, और लास्ट के हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे 4 फंदे हमने छोड़ दिए हैं 2-2 करके। इसी तरह से हम 2-2 करके 4 फंदे और छोड़ लेते हैं और 4 फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे चौथा फंदा बढ़ा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे
दो दो करके 8 फंदे छोड़ दिए हैं और मैंने यहाँ पे ये 4 फंदे बढ़ा लिए हैं और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। देखिए आप इसमें बड़ी पत्ती भी बना सकते हैं इसी तरह से, ये देखिए। अब हम 4 फंदों को किस तरह से घटाएंगे ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। 2 फंदे तो हमने वाइट से ही बनाने इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ पे हम पिंक कलर के, ये देखिए, धागा हम इस तरह से पकड़ लेंगे 2 वाइट के बना के, और 2 पिंक के फंदे हमने एक साथ लेने हैं। तो एक फंदा हमने घटाना है इसमें से और एक फंदा हम आगे की तरफ से बना लेंगे और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए तो एक फंदा घट चुका है, पीछे धागा, वाइट कलर आगे, तो देखिए हम यहाँ पे दूसरा फंदा घटाने जा रहे हैं। 2 वाइट के हमने बना लिए, तो देखिए यहाँ पे दूसरा फंदा हम इस तरह से घटा रहे हैं। तो 2 फंदे घट चुके हैं, तो एक फंदा हम आगे की तरफ से बना के फिर यहीं से हम वापस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा फंदा हम घटा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, और एक फंदा इसमें में से बनाएंगे और यहीं से हम वापस हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, हम बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। ये देखिए तो चौथा फंदा हम इसमें से घटा रहे हैं, ये देखिए। अब हम चौथा फंदा जब हम घटाएंगे तो पूरी सिलाई को हम इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे, ये देखिए। तो हमारे पास ये 12 ही फंदे रह गए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम सीधी सिलाई को फिर से इसी तरह से बनाएंगे। देखिए हमने सीधी सिलाई एक पूरी इसी तरह से बना ली है, फिर हम उल्टी तरफ से यही दोबारा पत्ती को बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदे बनाएंगे और इसको हम पिंक कलर से बनाएंगे और लास्ट के फंदे हम 2 छोड़ेंगे। इसी तरह से हम इसमें 4 पत्तियां बनाएंगे, 2 पिंक की और 2 रेड की, इसी तरह से। तो चलिए हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करते हैं 4 पत्तियां और आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये 4 पत्तियां बना ली हैं। अगर आपने ज़्यादा फंदे बना डाल के बनाना है तो आप इसमें 6 पत्तियाँ भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए हमने 4 पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली है इसी तरह से, और आप इसमें अलग अलग भी कलर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से सारे फंदे यहाँ पे बंद कर दूँगी, ये देखिए। आप इसको रंग बिरंगा भी बना सकते हैं, जैसे आपके पास थोड़ी थोड़ी ऊन बची हुई है तो इस तरह से आप इसको रंग बिरंगा भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ही मैं वाइट से ही सारे फंदे बंद कर रही हूँ। तो चलिए हम सारे फंदे बंद करके और आपको सिलाई करके फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सिल लिया है और बहुत आसान तरीके से हमारा ये डोरमेट कंप्लीट है। आप इसमें बड़ा बना लें अगर आपने बड़ा बनाना है, और कोई भी कलर का आप इस तरह से, ये देखिए, पॉम्पॉम्स लगा लें, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी कलर का इसमें पॉम्पॉम्स लगा लें। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा हमारा ये डोरमेट लगा आपको। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।